भारत में बॉयकॉट का नया ट्रेंड चल रहा है। लोग सुशांत की मौत के साथ ही इस ट्रेंड को हर मूवी के साथ जोड़ देते हैं। दीपिका के पहले भी पद्मावत गहराइयां जैसी कई मूवी को बॉयकॉट किया गया। वहीं पठान पर भी लोगों ने काफी विवादित भरे रिएक्शन दिए। पिछले काफी दिनों से शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान चर्चा का विषय बनी हुई है, साथ ही ये फिल्म बॉयकॉट का शिकार बनती दिख रही है। हाल ही में शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की सक्सेस के लिए वैष्णो देवी भी गए, जहां उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना भी की। शाहरुख खान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन अब फिल्म के गाने को देखकर सब हैरान है। आपको बता दें, बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने इसको लेकर निराशा जताते हुए कहा, शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार करती हूँ, भारत में फिल्म को बैन करने की मांग कर रही हूँ। अब इस बीच पठान के बॉयकॉट की मांग उठ रही है। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है। फिल्म का गाना बेशर्मा रंग काफी वायरल हो रहा है। आइए पहले इसके एक झलक देखते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। एक तरफ इस गाने में दीपिका और शाहरुख खान की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है, तो दूसरी तरफ लोग इसका बहिष्कार करने पर तुले हैं। लेकिन खास बात यह है कि विवाद में आने के बावजूद गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यूट्यूब पर गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। गाने में एक्ट्रेस ने काफी बोल्ड आउटफिट पहना है, साथ ही लोग गाने में दीपिका के आउटफिट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि बॉयकॉट का इस मूवी पर क्या कुछ असर होता है। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।